नमस्कार साथियों गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा यह ज़िंदगी है दोस्तों तारीफ़ें भी होगी और कोसा भी जाएगा यह ज़िंदगी है दोस्तों तारीफ़ें भी होगी और कोसा भी जाएगा गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा यह ज़िंदगी है जनाब तारीफ़ें भी होगी और कोसा भी जाएगा चलिए इसी शेयर के साथ में हम शुरुआत करें आज का जो है बिलियन का ये दूसरा लेक्चर है साथियों एक लेक्चर हमने पढ़ लिया है और उस लेक्चर में हमने विलियन के प्रकार के बारे में सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार पढ़े थे भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार पढ़े थे पीपीएम प्रतिशतता के बारे में पढ़ा था शक्ति के बारे में पढ़ा था मोलरता के बारे में पढ़ा था और आज हम शुरुआत करते हैं ये दूसरा लेक्चर है विलियन का और इस दूसरे लेक्चर में हम शुरुआत करें मोललता से कहाँ से शुरुआत करेंगे हम मोललता से मोललता किसे कहते हैं मोलरता की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी हम पढ़ रहे हैं मोललता मोलरता की जब बात करी थी तो क्या कहा था अपनों ने कि एक लीटर विलियन आपने क्या लिया था एक लीटर विलियन उस एक लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा था अपनों ने मोलरता हम बात करेंगे मोलरता की तो उस लीटर की जगह क्या कर दो आप एक हज़ार ग्राम विलायक कर दो क्या कर देना उसकी जगह डेफिनेशन चेंज करना एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या की जगह क्या लिखना एक हजार ग्राम विलायक में उपस्थित क्या लिखोगे एक हज़ार ग्राम विलायक में उपस्थित बाकी की आगे की डेफिनेशन वो की वही लिख रखी वो की वही बात लिख रखी मोलरता में एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या और यहां पर मोललता में एक हजार ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं मोललता एक हजार ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है ना विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या करके आप लिख सकते हो मोलो या मोलो की संख्या को है ना मोलो की संख्या को क्या कहते हैं मोललता कहते हैं समझ में आया एक हजार ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं मोललता कहते हैं और मोललता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से मोललता को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल एम से मोललता को स्मॉल एम से मोललता एम बराबर क्या है विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान समझ में आ गया विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान अब देखिए मोलरता की मोलरता के लिए जो फार्मूला था वो क्या था M बराबर W बटे M गुणित एक हजार बटे V ये था मोलरता का फार्मूला मोललता का क्या हो जाएगा M बराबर W गुणित एक हजार बटे एम वन लिख दो क्योंकि दोनों सही इस्लॉल एम दिख रहा तो इसको एम वन कर दो विलय के अनुभार को गुणित क्या कर दो कैपिटल डब्ल्यू मतलब ये ये क्या हो जाएगा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान डब्ल्यू क्या हो जाएगा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान मेरी बात समझ में आ रही है सिंपल डेफिनेशन है याद भी हो गया होगा आपको मोललता किसे कहते हैं एक हजार ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं को मोललता कहते अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं मोललता एम बराबर विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान मोललता एम बराबर विलेय का द्रव्यमान W गुणित एक हज़ार बटे विलेय का अणुद्रव्यमान ठीक है इसके बराबर क्या हो जाएगा मोलों की संख्या विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या के बराबर क्या लिख रहे हैं अपन ये चीज़ लिख रहे हैं ये वाली चीज़ ये लिख दिया अपनों ने ये लिख दिया उसके बराबर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए अब आपके सामने जो है सवाल की बात करते हैं एक सवाल कर लेते हैं इसका आपको दिया हुआ है रीड करिए जल्दी से आपको सवाल भी करवा देते हैं यदि आपको दिया हुआ है बेटा जी क्या दिया हुआ है 500 ग्राम जल में चार ग्राम एनुएएच घोल दिया आपने 500 ग्राम जल है आपके पास कितना है 500 ग्राम जल के अंदर क्या घोला आपने चार ग्राम एनुएच घोल दिया 500 ग्राम जल में चार ग्राम एनुएच गुला है गुला है इसके अंदर है ना 500 ग्राम जल के अंदर कितना जल गुला हुआ है चार ग्राम सॉरी 500 ग्राम जल में चार ग्राम एनओ एच गुला हुआ है चार ग्राम एनओ एच कभी कभी क्या है प्रोनाउंस बोलने में ये हो जाता है अटक जाते चलो कोई दिक्कत नहीं यदि 500 ग्राम जल में चार ग्राम एनओ एच गुला है 500 ग्राम जल लिया उसके अंदर चार ग्राम एनओ एच गुला है तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए आपको मोललता ज्ञात करनी है सूत्र याद रखिए सूत्र क्या है आपके पास m बराबर w बटे एम वन गुणित एक हजार बटे डब्ल्यू ध्यान रखना डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू है आपके पास विलय कितना है चार ग्राम एनओ एच ये विलय है तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखूंगा मैं चार ग्राम लिखूंगा आपके पास एम वन एम वन मतलब विलय का क्या है अणुद्रव्यमान विलय का अणुद्रव्यमान क्या ले रखा आपने एनओ ले रखा क्या लिख रखा एनओ तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा तेईस ऑक्सीजन का कितना होता है सोलह और हाइड्रोजन का कितना होता है एक सबको जोड़ लेंगे तो ये अणुद्रव्यमान बन जाएगा सोलह प्लस एक सत्रह सत्रह और तेईस कितने हो गए चालीस तो इसकी एम वन कितना लिखेंगे अपन चालीस लिखेंगे आपके पास विलायक का जो ये द्रव्यमान है ग्राम में द्रव्यमान वो कितना है पाँच सौ पाँच सौ ग्राम जल जल क्या है विलायक है तो डब्ल्यू क्या है आपके पास पाँच सौ कुछ नहीं आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है मोललता निकालनी एम बराबर डब्ल्यू की जगह चार बटे चालीस गुणित एक हजार ऐसे कैसे लिख दिया और बटे ये लिख दिया मैंने पाँच सौ चार बटे ये क्या दस लिख दिया पाँच दुना है ना दो में दो का दो पाँच सौ ये देंगे भाग देंगे एक हजार में पाँच सौ का तो दो आ जाएगा दो एक दो, दो पंजे दस कितना आ रहा है आपके पास एक बटा पाँच आ रहा है एक बटा पाँच को आप जीरो पॉइंट टू लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी मोललता कितनी आ गई जीरो पॉइंट टू एम समझ में आ गया होगा और नहीं आए तो वीडियो को डबल डबल देख लेना कोई दिक्कत नहीं अपना ही राज चल रहा है एक बार देखो दो बार देखो कितनी बार देखो आपकी मर्जी ठीक है मोलरता मोललता किसे कहते हैं एक हजार ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं इसे इस्म से प्रदर्शित करते हैं मोललता एम बराबर विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या के बराबर क्या हो जाता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुद्र्यमान ठीक है विलायक का ग्राम द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू से कर रहे हैं फार्मूला क्या मिल जाएगा एम बराबर डब्ल्यू बटे एम वन गुणित एक हजार बटे डब्ल्यू ठीक है ये चीज हो जाएगी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो ये है मोललता अब बात करें अपन आगे फार्मलता किसे कहते हैं बस फार्मूला चेंज हो रहा बस यहाँ पर जो अपन यहाँ पर जो लिख रहे थे अपन इसमें किसमें मोलरता की कि जब बात कर रहे थे तो मोलरता में क्या लिख रहे थे एम बराबर डब्ल्यू बटे एम गुणित एक हजार बटे वी ये फार्मूला लिख रहे थे किसके लिए मोलरता के लिए, मोलर लिए। जबकि फार्मलता के लिए क्या फार्मू हो जाएगा डब्ल्यू बटे एफ एम गुणित एक हजार बटे वी यहाँ पर बात करेंगे ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या की है ना एफ क्या है ग्राम सूत्र द्रव्यमान तो यहां पर किसी विलियन के एक लीटर में गुले हुए किसी विलियन के एक लीटर में गुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं विलियन की फार्मूला फार्मुलता कहते हैं और फार्मूलता को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करेंगे

अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने पेश है 200 सौ एम विलियन में 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहने आ, सोडियम क्लोराइड उपस्थित हैं विलियन की फार्मूलता ज्ञात कीजिए ठीक है विलियन की फार्मूलता ज्ञात कीजिए तो जो एन का जो द्रव्यमान एन का जो सूत्र द्रव्यमान होता है, है ना सूत्र द्रव्यमान एन फार्मूला है उसका सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा एफ़ एम क्या है सूत्र द्रव्यमान तो सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा एफ एम आपका जो फार्मूला है एफ बराबर डब्ल्यू गुणित एक हज़ार बटे वही एफ एम इंटू वी लिखा हुआ है आपके पास डब्ल्यू कितना है आपने ले रखा है सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड कितना ले रखा फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखूंगा फाइव पॉइंट एट फाइव और एफ uh, एम बराबर क्या लिखूंगा मैं एफ एम बराबर क्या लिखूंगा ये जो है एन का सूत्र द्रव्यमान कितना है 23 थ्री प्लस थर्टी फाइव ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी मतलब सोडियम का तेईस है परमाणु द्रव्यमान और मतलब इस परमाणु द्रव्यमान इतना हो, होगा और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 तो इसी को वापस क्या कह दिया अपना सूत्र द्रव्यमान कह दिया तो कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा ये विलियन का आयतन कितना दे रखा है आपके पास 200 सौ तो ये जो है वी बराबर क्या लिखूंगा मैं दो सौ आपको निकालना है यहाँ पर फार्मलता फाइव पॉइंट एट फाइव गुणित एक हज़ार बटे एफ की जगह क्या लिखूँ मैं फिफ्टी एट पॉइंट फाइव लिखूँ गुणित दो सौ ये यह यहाँ पे दस लिखा जाएगा दो पंजे दस और पाँच एक पाँच एक बटे दो हो जाएगा एक बटे दो या ज़ीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा इसका आंसर फार्मलता का ठीक है तो एक चीज समझ में आ रही है उसके देखा देख सारी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी अगर मोलरता की डेफिनेशन याद हो रही है तो आपको मोलरता की भी याद हो जाएगी फॉर्मलता की भी याद हो जाएगी अब देखो नॉर्मलता की भी याद हो जाएगी है क्या हो हो जाएगी। है कि? क्या होगा नॉर्मलता की भी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी अब यहां पर देखिएगा नॉर्मलिटी के लिए नॉर्मलता क्या है किसी विलियन के एक लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की, की संख्या यहां पर क्या चीज आ रही है किसी विलियन के एक लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की, की संख्या आ गई यहां पर किसी विलियन के एक लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की, की संख्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या जब अपन मोलरता की बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे मोलों की संख्या की बात कर रहे थे जब नॉर्मलता की बात करें तो क्या करें ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या किसी विलियन के एक लीटर में गुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं और नॉर्मलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं ये भी लिख सकते हो नॉर्मलता एन बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन ठीक है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विले की ग्राम में मात्रा बटे विलय का तुल्यांक द्रव्यमान ये चीज लिखेंगे ठीक है विले की ग्राम में मात्रा बटे विलय का तुल्यांक द्रव्यमान विलियन का लीटर में आयतन इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा एन बराबर वो का W डब्ल्यू गुणित एक हजार बटे ई इंटू बी ई इंटू वी ध्यान रखना है वी जो है अपनों ने यहाँ पर एम एल में ले रखा है अगर इसी को अपन जो इसमें लेंगे किस में लेंगे लीटर में लेंगे तो यहाँ एक हज़ार लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे लीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो पर लीटर लिखा जाता है तो वो जो है जो भी चीज़ लिखते हैं जैसे आपके पास 250 सौ पचास एम है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 1000 लिखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो 1000 है वो कहाँ लिख दिया आप ने ऊपर लिख दिया और कुछ नहीं किया ये ध्यान रखना तो नॉर्मलता की जो डेफिने नॉर्मलता का सूत्र है एन बराबर डब्ल्यू गुणित एक हज़ार हो जाएगा चलो अब इसका भी एक सवाल दे रखा है आपको दे रखा है कास्टिक सोडा के 1000 हजार एम एल विलियन में पांच ग्राम पदार्थ गुला है विलियन की नॉर्मलता ज्ञात याद कीजिए आपके सामने N बराबर W गुणित 1000 हजार बटे ई इंटू बी ये आपका नॉर्मलता निकालने का फार्मूला आपके पास W कितना है W है आपके पास कितना पांच ग्राम कितना है पांच ग्राम आपके पास जो ई e कितना है ई e, मतलब तुल्यांकी भार कितना है इसका किसका कास्टिक सोडा का एन एच का एन एच का तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर ही होता है ध्यान रखना एन एच का तो तेईस प्लस सोलह प्लस एक ठीक है कितना हो जाएगा चालीस ई e, और कितना ले रखा आपने एक हज़ार एम ले रखा है तो वी कितना हो जाएगा आपके पास एक हज़ार हो जाएगा कुछ नहीं फार्मूला में वैल्यू पुट करना है एन बराबर डब्ल्यू की जगह क्या लिखो पांच क्यों कट रहा है ये पांच बटे ई की जगह क्या लिखू चालीस गुणित एक हजार बटे एक हजार ये कैंसल हो जाएगा पांच एक बटे आठ आपकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी नॉर्मेलिटी आपको मिलेगी एक बटा आठ मिलेगी सिंपल चीज़ें हैं ये सारी सिंपल डेफिनेशन हैं आसानी से याद होने वाली चीजें हैं एक झटके में याद होने वाली चीज़ें हैं डेफिनेशन क्या लिखोगे आप नॉर्मलता की रिवाइज कीजिए एक जल्दी से नॉर्मलता की डेफिनेशन किसी विलयन के एक लीटर में गुले हुए विलय के ग्राम की द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं नॉर्मलता ठीक है वापस से चारों डेफिनेशन सबसे पहले अपनों ने मोलरता की बात करी एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं जब अपने बात आई अगली मोललता की मोललता के लिए क्या लिखेंगे एक हज़ार ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं जब अपने पास फार्मलता की डेफिनेशन आई तो क्या लिखोगे किसी विलियन के एक लीटर में गुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं फार्मलता कहते हैं जब अपने पास नॉर्मलता की बात आई तो क्या लिखोगे डेफिनेशन किसी विलियन के एक लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या किसी विलियन के एक लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते है? हैं विलियन की नॉर्मलता कहते हैं नॉर्मलता से रिलेटेड भी अपनों ने एग्जाम्पल देख लिया एक ओके चलिए अब बात करें आगे अणु भिन्नांक या मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं अणु भिन्नांक, मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं बहुत ध्यान से समझना आप इस चीज को एक एक चीज अपन क्लियर करते जा रहे हैं होता क्या है भैया कि आपने <coughs> मोलों की संख्या के बारे में जानकारी हो गई मोलों की संख्या मोलों की संख्या बराबर कैसे निकालते भार बटे कोई भी विलय लिया तो विलय का भार बटे अणुभार या विलायक के मोलों की संख्या निकालना है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार या विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुद्रव्यमान ये भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है अब आपको अणु मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं ठीक है ठीके? आपके पास विलियन दे रखा है विलियन किससे मिलकर बना होता है विले प्लस विलायक दो चीजों से मिलकर बना है ना विलियन विले प्लस विलायक से मिलकर बना होता है अब यदि आपको आपको निकालना है विले का प्रभाज निकालना है विले का मोल प्रभाज किसका निकालना है लिखोगे क्या लिखोगे विले का प्रभाज विले का प्रभाज मेरी बात ध्यान से सुनना विलय का प्रभाज निकालोगे आप तो विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखोगे विलियन के मोलों की संख्या विलियन के मोलों की संख्या ध्यान से सुनना और यदि आपको विलायक का मूल प्रभाज निकालना है किसका निकालना है विलायक का मोल प्रभाज निकालना है मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज तो आप क्या लिखोगे विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या विलियन के मोलों की संख्या अब मेरी बात ध्यान से सुनना विलय के मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अगर विलय के मोलों की संख्या को अपन रिप्रेजेंट करें एन वन से विलायक के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे एन टू से तो विलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी एन वन प्लस एन टू विलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी एन वन प्लस एन टू तो जब विलय का मोल रिवाज की बात करोगे विलय के मोल विभाज को माना कि अपन एक्स वन से रिप्रेजेंट कर लें और विलायक के मोल रिवाज को अपन एक्स टू से रिप्रेजेंट कर लें तो मेरी बात ध्यान से सुनना एक वन बराबर क्या लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या क्या एन वन और विलियन के मोलों की संख्या क्या एन वन प्लस एन टू विलायक का मूलप्रवाज निकालना है तो उसको क्या मूलप्राज को एक्सो टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बटे विलायक के मोलों की संख्या क्या है एन टू बटे विलियन के मोलों की संख्या क्या है एन वन प्लस एन टू यह चीज हो गई मोलों की संख्या को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से यदि विलय के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो हम लिखेंगे एन वन यदि विलायक के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो हम लिखेंगे एन टू और यदि विलियन के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो हम लिखेंगे भैया एन वन प्लस एन टू अतरो समझ में आयो आई जाएगा चलो तो हम बात करें मोल प्रभाज की तो मोल प्रभाज अपनों को विलेय का मोल प्रभाज अलग निकालना पड़ेगा और विलियन विलायक का मोल प्रभाज अलग निकालना पड़ेगा तो डेफिनेशन क्या पड़ेगी कि किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव किसी अवयव क्या हो सकता है या तो फिर विलेय हो सकता है या फिर विलायक किसी अवयव के मोलों की संख्या किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात डेफिनेशन किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोलोरबाज कहते हैं ठीक है मोलोरबाज कहते हैं अब अगर अपनों को विलय के मोलों की संख्या को अपन एन वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो विलायक के मोलों की संख्या को एन टू से रिप्रेजेंट करें तो विलियन के मोलों की संख्या को एन वन प्लस एन टू से रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब आपको निकालना है विलय का मोल मूलबाज निकालना है क्या निकालना है विलय का मोल मूलबाज तो विलय का मोल मूलबाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या विलायक का मोल मूलबाज निकालना है आपको तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या यहां तक क्लियर है यस लिखो जल्दी से अब देखो यदि आपके पास तीन पदार्थ हो क्या हो तीन पदार्थ हो एक्स y और जेड तो आपको किसी एक घटक के मोलो किसी का एक का मूल रज निकालना एक्स का मोलबाज निकाल लो तो एक्स के मोलों की संख्या बटे एक्स y और जेड के मोलों की संख्या तो x का मूल रज निकल जाएगा यदि आपको y का मूलबाज निकालना तो y के मोलों की संख्या बटे x, y और z के मोलों की संख्या लिख दोगे यदि आपको z का मूलबाज निकालना तो z के मोलों की संख्या बटे x, y और z के मोलों की संख्या और यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं आपके पास दो कंपोनेंट x और y है तो x के मोलों की संख्या बटे एक्स प्लस वाई के मोलों की संख्या और आपको y का मूल रज निकालना तो y के मोलों की संख्या बटे एक्स प्लस वाई के मोलों की संख्या जो अपनों ने अभी यहां पर कर रहे थे ठीक है तो विले का मूल बराबर क्या है है ना ये सॉरी मूलवाज निकाल रहे जैसे x का मूल रज निकालेंगे तो x के मोलों की संख्या बटे एक्स प्लस वाई के मोलों की संख्या वो की वही बात है कुल मिला के ये जो लिखा अपनों ने विलय का मूलभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या विलायक का मूलभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से अब आपके सामने एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन विले. को आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन तो को आपको सॉल्व करना है करोगे आप जल्दी से करके बताओ चलिए आपके पास में एग्जाम्पल दे रखा है बेटा इस एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको एग्जाम्पल से दे रखा है एग्जाम्पल यह है कि चार ग्राम कास्टिक सोडा चार ग्राम कास्टिक सोडा को नब्बे ग्राम जल में विलय किया गया है जल क्या है यहां पर विलायक कास्टिक सोडा एन ये क्या है बेटा विलय है विलय कितना है आपके पास चार ग्राम है विलायक कितना है आपके पास नब्बे ग्राम है चार ग्राम कास्टिक सोडा को नब्बे ग्राम जल में विलय किया गया है एन ओ एच विलियन की एन ओ एच एन ओ एच विलियन में एन ओ एच के ज्ञात कीजिए तथा आपको जल का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना दोनों का मूलबाज ज्ञात करना अब अपनों ने जस्ट अभी बात करी विलय का मूल बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या विलायक का मूल बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या ये बात करी तो अभी अपन मोलों तो मतलब की संख्या तो निकाले तो विलय के मोलों की संख्या सबसे पहले एनवन निकाले एनवन मतलब विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या मोलों की संख्या बराबर क्या लिखा था अपना ने भार बटन उभार तो चार बटे क्या लिखूंगा मैं चालीस चार बटे चालीस एन का जो भार है कितना चार ले रखा अणु कितना होता है चालीस चार बटे चालीस बराबर कितना आ जाएगा आपके पास जीरो पॉइंट वन मतलब आपके पास एन वन बराबर कितना आ रहा है जीरो पॉइंट वन अब आपको एन टू मतलब विलायक के मोलों की संख्या निकालना है विलायक के मोलों की संख्या तो आपके पास विलायक कितना है विलायक क्या है नब्बे ग्राम है नब्बे बटे जल कितना होता है जल का अनुभार कितना होता है अठारह तो अठारह पे नब्बे तो क्या हो जाएगा फाइव पॉइंट जीरो पांच लिख दो इसको अब आपको मोल विभाज निकालना है विले का मूल विले का मोल प्रभाज विले का मोल रिवाज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एक्स वन से एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा एन वन बटे एन वन प्लस एन टू आपके पास एन वन कितना आया जीरो पॉइंट वन बटे जीरो पॉइंट वन प्लस फाइव पॉइंट जीरो इसको आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन बटे फाइव पॉइंट वन यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन नाइन आंसर आएगा ये क्या निकल गया विलय का मूल्रवाज अब आपको निकालना है विलायक का मूल्रवाज विलायक का मूल्रवाज विलायक का मोल प्रभा विलायक का मूल प्रभाज x2 से रिप्रेजेंट कर रहे अपन तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या कितनी आई आपके पास पांच आई फाइव पॉइंट जीरो बटे जीरो पॉइंट वन क्या है विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या फाइव पॉइंट जीरो तो ये जो है कितना आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा बेटा फाइव पॉइंट जीरो बटे फाइव पॉइंट वन भाग दो ये जो आंसर आ जाएगा आपके पास जीरो पॉइंट नाइन एट तो मेरी बात समझना आप। आपको दो चीज़ें मिल गई एक तो ये मिल गया ओके और एक मिल गया ये ये क्या है विलय का मौल और ये क्या है विलायक का मौलवाज ठीक है ये है आपके पास एक्स टू विलायक का मौलवाज समझ में आ गया अणु भिन्नांग भी कह सकते हो आप इसको प्रभाज भी कह सकते हो मोल अंश भी कह सकते हो तो किसी विलियन में किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव कौन से विलियन में कौन से अवयव विलय विलायक होते हैं विलय विलायक है ना विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल मोर्प्रवाज कहते हैं विलय के मोलों की संख्या को एन वन से विलायक के मोलों की संख्या को एन टू से रिप्रेजेंट करेंगे तो विलियन के मोलों की संख्या हो जाएगी एन वन प्लस एल टू विलय का मोल प्रवाज निकालना है आपको तो विलियन के विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या विलायक का मोल मोर्प्रवाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या एग्जाम्पल आपको करवा दिया पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया सारी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई यही मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया ठीक है कि विलायक के मोलों की संख्या एन टू बराबर ये हो जाएगी ठीक है यहाँ पर अपनों ने विलेय के मोलों की संख्या निकाल दी जीरो पॉइंट वन विलायक के मोलों की संख्या पाँच हो गई अब आपको एन एच मतलब विलेय का मूल्यब्राज निकालना है ये विलेय का मूलब्राज जल का मूल्यब्राज मतलब विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा ये आएगा विलायक का और ये विलय का मूलवाज इस तरीके से आप मूल प्रभाज निकाल सकते हो आसानी से मेरे हिसाब से बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मजा आ गया होगा आज के इस लेक्चर में कोशिश करना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसी तरह से जिस तरीके से ने मोल प्रभाज निकाला ठीक है उसी प्रकार से द्रव्यमान प्रभाज भी होता है सेम उसी प्रकार से क्या होता है द्रव्यमान प्रभाज तो उसमें क्या लिया जाता है द्रव्यमान लिया जाता है ठीक है द्रव्यमान प्रभाज निकाला जाता है द्रव्यमान प्रभाज में क्या होता है देखिए ध्यान से उसी टाइप से आपको डेफिनेशन है विलियन के किसी अवयव के द्रव्यमान किसी अवयव का द्रव्यमान विलियन के किसी अवयव अवयव कौन सा हो सकता है विलय हो सकता है या विलायक हो सकता है वो की वही बात है यहां पर भी विलायक हो सकता है तो किसी अवयव का द्रव्यमान एवं विलियन के संपूर्ण द्रव्यमान का अनुपात अवयव का विलियन में द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है यदि किसी विलियन में दो अवयव दो घटक ए तथा बी के द्रव्यमान प्रभाज क्रमश डब्लू ए तथा डब्ल्यू बी हो तो दो घटक है उनके द्रव्यमान प्रभाज क्या है डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है तो क्या कहेंगे ए का द्रव्यमान प्रभाज निकालना है ए का द्रव्यमान प्रभाज निकालना है तो ए का द्रव्यमान बटे संपूर्ण विलयन का द्रव्यमान घटक बी का द्रव्यमान प्रभाज निकालना है तो घटक बी का द्रव्यमान बटे संपूर्ण विलयन का द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान तो इसके अनुपात को क्या कहेंगे द्रव्यमान प्रभाज कहेंगे बी का द्रव्यमान प्रभाज ए का द्रव्यमान प्रभाज जैसे अपनों ने वहां पर निकाला था कि विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज ऐसे ही ए का द्रव्यमान प्रभाज बटे बी का द्रव्यमान प्रभाज या ए को आपने विलय मान लिया तो विलय का द्रव्यमान प्रभाज क्या होगा और बी को आपने विलायक मान लिया तो विलायक का द्रव्यमान प्रभाज क्या होगा ये लिखना है आपको तो विलयन के किसी अवयव के द्रव्यमान एवं विलयन के संपूर्ण द्रव्यमान का अनुपात अवयव का विलयन में द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है यदि किसी विलयन में दो घटक ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी हो तो ए का द्रव्यन प्रभाज द्रव्यमान प्रभाज बराबर डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और बी का द्रव्यमान बर्बाद बराबर डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी यह होगा एक चीज और सांद्रता पार्ट पर मिलियन में सांद्रता पार्ट पर मिलियन आपको मिलियन का तो वर्ड होगा मिलियन मतलब क्या होता दस लाख एक मिलियन एक मिलियन मतलब दस लाख मेरे चैनल पर दस लाख व्यूज होने में बहुत टाइम लगा था अभी तो दस लाख से ऊपर निकल गए व्यूज तो एक मिलियन मतलब क्या होता दस लाख ठीक है तो पीपीएम में सांद्रता मतलब पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन मतलब अपन जो बात कर रहे थे प्रतिशतता की बात करी थी तो सौ भाग में विलय की विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है जब शक्ति की बात करी थी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की बात करी तो एक हजार भाग में विलय की मात्रा कितनी है अब यहाँ पर दस लाख भाग में कितनी मात्रा है विलय पदार्थ की ये चीज देख रहे हैं कुल मिला के शार्ट में ये चीजें तो देखो किसी विलियन के दस लाख भार भाग में कितने किसी विलयन के दस लाख बार भाग में विलय के भार भागों की संख्या मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता एक झटके में समझ में आ गई होगी जब प्रतिशतता की बात करी थी तो सौ भागों में विलय पदार्थ की कि मात्रा कितनी है जब शक्ति की बात करी या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की बात करी तो एक हज़ार भाग में कितना विलय है और जब आप पार्ट पर मिलियन की बात करोगे तो दस लाख भाग है उसमें से विलय के कितने भाग है यह बात करेंगे अपन तो किसी विलियन के दस लाख भाग दस लाख बाहर भाग में विलय के बाहर भागों की संख्या विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है इसे पीपीएम से दर्शाया जाता है यदि बाहर ग्राम में हो तो विलियन के दस टेंथ पावर सिक्स ग्राम में विलय के की ग्राम में मात्रा पीपीएम कहलाती है सरलता के लिए विलियन के टेंथ पावर सिक्स एम में मिली में विलय के ग्राम में मात्रा भी पीपीएम में व्यक्त की जा जा सकती हैं इस स्थिति में एक पीपीएम बराबर एक मिलीग्राम प्रति लीटर होता है एक पी पीपीएम बराबर एक मिलीग्राम प्रति लीटर होता है पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणित दस की का छः सिंपल बात है जब प्रतिशतता की बात करें तो सौ लिख रहे थे ठीक है यहाँ पर तो पी सांद्रता में बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणित तो दस की घात छः ये चीज़ हो गई तो ये आज का विलियन का बहुत ज़बरदस्त दूसरा लेक्चर मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा ये जो इतनी मेहनत की जा रही है स्लाइडें बनाई जा रही हैं आप अगर इनको एक कॉपी लोगे पेन उठाओगे और साथ के साथ में लिखते जाओगे लिखते लिखते याद हो जाए तो आप जब बाद में जब पूरा लेक्चर देखा तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा याद हो या नहीं आया हो समझ में आए या नहीं आए लिखो जरूर इसको और जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे लेक्चर देखते जाओगे वैसे वैसे हंड्रेड परसेंट मेरा मानना है कि आपको केमिस्ट्री याद हो जाएगी समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी आएगी समझ में ओके साथियों तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय ओके जय हिंद जय जै भारत